अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पंजाब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं डेली पंजाब चैनल। नाज़रीन, मुल्के पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिस्म फरोशी अरूज पर हैं। लड़कियां 300 की खातिर 500 की खातिर अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो चुकी हैं, लेकिन क्यों ऐसा काम करती हैं? नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये किस तरह सड़कों पर खड़ी हैं। हमारे मुस्लिम भाई जो इस चीज़ को समझते हैं, यह हमारा मुआशरा हमें ये नहीं सिखाता, क्या हमारी तलीम व तरबियत हमें ये नहीं सिखाती कि जो लोग मजबूर हों हम उनके पास जाएं, उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। अगर इनकी एक मजबूरी को देखा भी जाए तो ये काम बिल्कुल गलत है। औरत एक हलाल काम करके भी अपना बच्चों का गुजारा कर सकती है, ये क्यों ऐसे काम करती हैं? नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये कैसे सड़कों पर खड़ी हैं। और ये भाई जो गाड़ी वाले पास आते हैं, इनसे डील करते हैं और डील करने के बाद ये इसी तरह कुछ बता रही हैं कि हम शॉर्ट्स का 500 रुपया लेते हैं और नाइट का 10-10 हज़ार पर लड़कियां बेचने पर क्यों मजबूर हैं, यह जिस्म फरोशी क्यों है? नाज़रीन, ख्वाजा सर भी लाहौर की सड़कों पर यहां पर जिस्म फरोशी कर रहे हैं, औरतें भी को जिस्म फरोशी कर रही हैं। यहां पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो फैसलाबाद देख सकते हैं आप, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पूरे शहरों में जिस्म फरोशी अरूज पर है, जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर है। अगर कोई मीडिया वाले भाई इनके पास आते हैं, ये अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाती हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे खामंद नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घर का रेंट देते हैं। और नाज़रीन किराम, आपको बताता चलें कि बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि इंसान काम कर सकता है, फैक्ट्रीज में काम कर सकता है, अपना कहीं रेड़ी लगाकर औरतें काम कर सकती हैं, लेकिन नाज़रीन किराम ये एक इज्जत के नाम पर कुछ भी इंसान कर सकता है। नाज़रीन किराम, ये जो औरतें सड़कों पर खड़ी होती हैं, नाज़रीन ये चकलों पर जाती हैं, इन्होंने ट्रक अड्डों में जिस्म फरोशी के रोड्स पर हमारी न्यू जनरेशन को ख़राब कर रखा है। इन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है, इन्हें कोई भी टोकने वाला नहीं है। और ये देखें कैसे भाग रही हैं, ये कैसे भाग रही हैं और क्यों भाग रही हैं। अब ये अपनी, अगर इनसे पूछा जाए तो ये यही कहती हैं कि हम मजबूर हैं और कैमरे से डर कर क्यों भाग रही हैं, क्यों कोई नहीं काम करती। नाज़रीन किराम, ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, क्यों ऐसा काम हो रहे हैं? जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, ये औरतें सड़कों पर आ जाती हैं और सड़कों पर आकर ये सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं। हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, इनके पास खड़े होते हैं, इनसे डील करते हैं और डील करने के बाद इन औरतों को साथ ले जाते हैं, जिना करते हैं। हालांकि इनको पता भी है कि जिना एक कर्ज है, एक ना एक दिन आपको जिकाना पड़ेगा। या रब्बुल आलमीन इन औरतों को नेकी करने की तौफीक अता फरमा दे, इनको ये जो गलत काम करती हैं इनसे निजात फरमा दे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।